गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज के लेक्चर में बात करने वाले हम पैराबोला के बारे में। और पैराबोलिक शेप आप सबको पता है, जब भी आप कोई बॉल थ्रो करते हो तो वो कौन से शेप में मूव करता है, वो मूव करेगा एक पैराबोलिक शेप में मूव करेगा। कैसे? सो बॉल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो उसका बेस है। रिपीट, बॉल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो उसका बेस होगा, और बॉल जितना ऊपर जाएगा दैट इज हाइट। यानी पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कौन सा डायमेंशन रिक्वायर्ड है, तो बेस एंड हाइट। सो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रॉ अ पैराबोला हैविंग बेस ऑफ 100 mm एंड हाइट इज 60 mm। चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले सब्सक्राइब कर लिए, बाद में ड्रॉ करते हैं। थैंक यू। अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो है पैराबोला की टेंजेंट मेथड। सो जब भी आपको टेंजेंट मेथड ड्रॉ करनी है तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बेस उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस कितना है इसका? 100 mm। सो 100 mm ले रहा हूँ, ये हो गया आपका 100 mm। मिड पॉइंट कितने पर होगा? 50 पर। तो ये हो गया आपका बेस। अब इस बेस से हमें जो हाइट दे रखी है, यानी क्वेश्चन में अगर हाइट 60 mm है तो आपको हाइट लेनी है इसकी डबल, यानी कितनी होगी वो? 60 + 60, दैट इज 120 mm। सो जो ट्राइंगल बनाना है हमें, वो हम ड्रॉ करेंगे 120/100 का। सो मिड पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में हाइट 60 है तो मुझे कितनी लेनी पड़ेगी हाइट? 120। अगर हाइट 50 mm है तो आपको हाइट लेनी है 100 mm। गॉट इट? सो ये हाइट मैंने इसकी डबल ले रखी है 120 mm। अब जो टॉप पॉइंट है उसको मैं कनेक्ट करूँगा बोथ साइड, फर्स्ट लाइन एंड दिस इज योर सेकंड लाइन। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन गया। रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें हाई जो बेस है वो 100 mm लेना है, और जो भी हाइट है उसकी डबल हाइट लेनी है, दैट इज 120 mm। ओके, नाउ ये जो स्लेंट हाइट है उसकी, जो ये वाली लाइन है उसके हम डिवीज़न करेंगे। कितने डिवीज़न करेंगे? तो आप जितने भी डिवीज़न करना चाहो कर सकते हो, 6, 5, 8, 9, 10, 50, जितने भी डिवीज़न करना चाहो कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। तो हमारे लिए कन्वीनियंट अभी कौन सा है, हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो वो इजी मेथड है। तो यहां से मैं 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहा हूं। five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। सपोज ये 13 पर अभी परफेक्टली आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है आपको एग्जाम में, अगर ड्रॉ कर रहे हो लेकिन 12 से एक लास्ट डिवीज़न छोटा या बड़ा हो सकता है, डजेंट मैटर, सेम डिवीज़न आपको सामने करने हैं। रूल यही है कि जितने डिवीजन आप यहाँ पे कर रहे हो, जैसे डिवीज़न आप यहाँ कर रहे हो, सेम डिवीज़न कहाँ करने हैं? सामने की साइड। तो यहाँ से 1 to 13 लिया हमने, सेम वे इसी तरफ, चलिए हो गए। नंबर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। याद रहे, सेम नंबर सामने देने हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में देने हैं। यानी यहाँ पे कौन सा होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 0, या फिर 0 के साथ 13। सेम देख लो, 0, 13 यहाँ पर है और सामने ऊपर भी 0, 13 है। तो याद क्या रखना है, सेम डिवीज़न होने चाहिए और रिवर्स ऑर्डर में होने चाहिए। ओके, सो नाउ आपको कुछ नहीं करना है, 13, 13 को कनेक्ट करना है। ठीक है, रिपीट,
अब आपको करना क्या है, 13 नंबर को कनेक्ट करना है, वो ऑलरेडी कनेक्ट है, तो बाकी रहा 12, तो 12 और ये 12 को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज। नेक्स्ट इज 11, टेन, नाइन, एट, एंजिनियरिंग को की सबसे इजी मेथड यही है, ऐसा समझ लो। और अभी ये 1, आप देख सकते हो 0 0 कनेक्ट है, 1 1 2 2 सबको कनेक्ट कर दिया हमने। अब आपको पैराबोलिक का बीच में दिख ही रहा है, ठीक है। सो ये अभी टेंजेंट्स है सब, और एक बोल्ड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर पैराबोला, उनका जो बेस है, जिसका बेस है 100 mm, और ये हाइट आप देख लीजिए 60 mm, कम्प्लीटली हाफ में डिवाइड हुआ है। सो दिस इज योर टेंजेंट मेथड।